प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेके आ चुके हैं 20 जुलाई का गृह कार्य आपका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का इतिहास वाले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। पहला प्रश्न है, क्या कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। इसका उत्तर नोट करेंगे। वर्षों पहले क्या हुआ था, यह जानने के लिए अभिलेखों, पांडुलिपियों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रश्न नोट करेंगे, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाओ एवं इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो चलिए वस्तुओं की सूची बनाते हैं। पहला पॉइंट रहेगा चित्र, मूर्तियां, इमारतों के अभिलेख, सिक्के, कपड़े, बर्तन, आभूषण, औजार, हथियार, हड्डियां, जले हुए अन्न के दाने, लकड़ी, शिलालेख, पांडुलिपियां आदि हैं। इनमें से दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, इनमें से मूर्तियां, इमारत, बर्तन, औजार, हथियार, शिलालेख आदि वस्तुएं पत्थर की भी बनी हो सकती हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। इसका उत्तर नोट करेंगे, साधारण स्त्री और पुरुष निम्न कारणों से अपने विवरण नहीं रखते थे। वे इतने शिक्षित नहीं थे कि इस प्रकार का विवरण रख सके। उनका जीवन कठिनाई से भरा था, उनको अपने कठिन कार्य के उपरांत समय नहीं मिल पाता था या नहीं मिलता था, ठीक है। चौथा पॉइंट नोट करेंगे, उन्हें इस तरह के विवरण रखने की कोई आवश्यकता महसूस ही नहीं होती थी। चलिए चौथा प्रश्न है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, दो ऐसे उल्लेख बताइए जिनसे हमें राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो पहला पॉइंट है, किसान खेतों में फसल उत्पादन करते थे जबकि राजा लड़ाई में अपनी सेना का प्रतिनिधित्व करते थे। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा पॉइंट है, किसानों का जीवन सामान्य ढंग का एवं मेहनत का था जबकि राजाओं का जीवन आरामदायक था। दोस्तों, अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं आपको ऑनलाइन भी इन सारी क्लासेस के बारे में स्पेशल जानकारी देता हूँ बेटा, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है आपका, रोस्टेटा कस्बा कहाँ पर अवस्थित है एवं वहां से हमें किस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। तो इसका आंसर नोट करेंगे, मिस्र के उत्तरी तट पर रोस्टेटा कस्बा स्थित है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा कृतियों में लिखे गए हैं। इस तरह से आज का गृह कार्य समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड्स में डाउटनेट के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए।